मुंबई की मशहूर पेंटर हेमा उपाध्याय के पति चिंतन उपाध्याय को गिरफ्तार किया जा सकता है। चिंतन को कांदिवली पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि हेमा के कत्ल में कहीं ना कहीं चिंतन का हाथ हो सकता है। हम आपको बता दें कि 12 दिसंबर को हेमा उपाध्याय और उसके वकील का शव नाले में मिला था। इस मामले में पहले ही 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें हेमा और उनके वकील हरीश को मारने वाला साधु राजभर भी शामिल है। फिलहाल पुलिस चिंतन उपाध्याय से मामले में पूछताछ कर रही है। खबर है कि हेमा और चिंतन के संबंध ठीक नहीं थे और बांद्रा कोर्ट से दोनों के बीच तलाक की डिग्री भी चिंतन को मिल गई थी, लेकिन उसके हेमा ने मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी थी उसे, जिसके बाद कोर्ट में बार बार की पेशी और पूछताछ से भी चिंतन हेमा उपाध्याय से बेहद नाराज था। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, मुंबई के मशहूर पेंटर हेमा उपाध्याय के पति चिंतन उपाध्याय को आज गिरफ्तार किया जा सकता है। चिंतन को कांदिवली पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि हेमा के कत्ल में कहीं ना कहीं चिंतन का हाथ हो सकता है। हम आपको बता दें कि 12 दिसंबर को हेमा उपाध्याय और उसके वकील का शव नाले में मिला था। इस मामले में पहले ही 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें हेमा और उनके वकील हरीश को मारने वाला साधु राजभर भी शामिल है। फिलहाल पुलिस चिंतन उपाध्याय से मामले में पूछताछ कर रही है। खबर है कि हेमा और चिंतन के संबंध ठीक नहीं थे और बांद्रा कोर्ट से दोनों के बीच तलाक की डिग्री में चिंतन को भी मिल गई थी, लेकिन उसे हेमा ने मुंबई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसके बाद कोर्ट में बार बार की पेशी और पूछताछ से चिंतन काफी नाराज था।